ये फाइबर्स जो होते हैं प्लांट फाइबर्स और एनिमल्स फाइबर्स ये डिपेंड करते हैं उनके सोर्स पे किसी किस सोर्स से ऑप्टेन किया जा रहा है कलेक्टिवली वी कैन से डैट फाइबर्स लाइक जूट

क्लोथ बनाने में किया जाता है दीज फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रॉब्स कारपेट्स एंड अ वायटी ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज इस फाइबर का यूज़ लार्ज वरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने में किया जाता है जैसे रॉब्स रस्सी कारपेट्स कालीन और अदर आर्टिकल जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं हाउ एवर द डिमांड फॉर फाइबर्स एंड फैब्रिक्स इज़ सो लार्ज डेट नेचुरल फाइबर्स आर अनेबल टू फुलफिल इट फाइबर और फैब्रिक का डिमांड ये बहुत ही लार्ज है इसे सिर्फ नेचुरल फाइबर्स के थ्रू फुलफिल नहीं किया जा सकता टू मीट दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर दिस फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड सेंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स इस इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल फाइबर को डेवलप किया जिसे मेनमेड फाइबर और सेंथेथिक फाइबर्स भी कहते हैं लेट एस कंसिडर सर्टन एग्जाम्पल्स लुक एट अ नेकलिस मेड ऑफ बीड्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे नेकलिस जो है नेकलिस के जो बीड्स होते हैं वो थ्रेड्स के थ्रू ज्वाइंड होते हैं अल्टरनेटिवली ट्रेन को देख सकते हैं वो वैगन के थ्रू ज्वाइंड होते हैं इफ़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द बीड्स इन अ नेकलेस एंड द वेगन्स ज्वाइंट विथ वन अनदर तो ये जो बीड्स हैं नेकलेस की और जो वेगन्स हैं इनमें कोई सिमिलैरिटी है इन बोथ केसेस अ लॉन्ग चेन ऑफ थिंग्स सच एज बीड्स और वेगन हैज बीन ज्वाइंड तुम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें लॉन्ग चेन ऑफ थिंग्स है जैसे बीड्स और वेगन ज्वाइंड है इट हैज बीन फाउंडल फाइबर्स मेड फ्राम सिंपल मोलिक्यूल्ड मोनोमर्स नेचुरल फाइबर्स जो सिम्पल मॉलिक्यूल से बने होते हैं कहलाते हैं मोनोमर्स दीज मोनोमर्स ज्वाइन इन ए लार्ज नंबर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल और ये जो मोनोमर्स लार्ज नंबर में ज्वाइन होते हैं ये फॉर्म करते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को जिसे हम लोग कहते हैं फॉलीमर ये सेंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट मोनोमर्स ज्वाइंट टूगेदर

प्रेजेंट सिविलाइजेशन की इंक्रीजिंग डिमांड के कारण मैनमेड पॉलीमर को डेवलप किया गया है इस डिमांड को मीट करने के लिए यू नो इन एडिशन टू नेचुरल एंड सेंथेटिक पॉलीमर्स देर इज यट अनदर क्लास ऑफ पॉलीमर्स कॉल्ड सेमी सेंथेटिक पॉलीमर्स एक तो नेचुरल पॉलीमर्स होता है और सेंसेटिक पॉलीमर्स होता है इसके बीच में भी एक अनदर क्लास ऑफ पॉलीमर्स पाया जाता है जिसे सेमी सेंसेटिक पॉलीमर्स कहते हैं दीज आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स बाई सब्जेक्टिंग देम टू स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेसेस तो इस सेमी सेंसेटिक पॉलीमर्स को ऑप्टेन किया कैसे जाता है तो नेचुरल पॉलीमर्स में कुछ केमिकल प्रोसेसेस करके इसे

uses in some detail. अब हम लोग देखते हैं कि सेंथेटिक फाइबर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या और उनका यूज़ क्या है रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास सेवन डेट सिल्क फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वाम वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना हम लोग क्लास सेवन में पढ़ चुके हैं कि जो सिल्क फाइबर होते हैं वो सिल्क वाम से ऑप्टेन होते हैं और ये डिस्कवर किया गया था चाइना में फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर इज़ क्वाइट कॉस्टली जो फैब्रिक सिल्क फाइबर से ऑप्टेन किया जाता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है इट्स टैक्च

बाद में सिल्क को आर्टिफिशियली ऑप्टेन करने के लिए कुछ कोशिश किए जाते हैं नाइन्टीन सेंचुरी के एंड में क्या होता है साइंटिस्ट जो इस अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने इस कोशिश में सक्सेसफुल हो जाते हैं एक ऐसा फ़ाइबर जिसके पास सिल्क जैसा सेम प्रॉपर्टीज़ हो जिसे वुड पल की के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ऑप्टेन किया जाता है तो वो फाइबर रेउन और आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है रॉ मटेरियल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ रेओन इज़ वुड सेलुलोज विच इज़ अ नेचुरल फाइबर रेओन के प्रिपरेशन में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो वुड सेलुलोज है जो वुड सेलुलोज जो है वो एक नेचुरल फाइबर है दिस नेचुरल फ़ाइबर इज प्रोसेस टू ऑप्टेन अ सिल्क लाइक फाइबर इस नेचुरल फ़ाइबर को प्रोसेज किया जाता है सिल्क जैसे फाइबर को ऑप्टेन करने के लिए दे आर फो रेओन इज समाइम्स ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर इसलिए रेन को कभी कभी रीजनरेटेड फाइबर भी कहा जाता है रेओन इज दस नॉट कम्प्लीटली अन आर्टिफिशियल फाइबर इट्स रॉ मटेरियल इज अ नेचुरल फाइबर रेओन रेन को हम लोग कंप्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है एक नेचुरल फाइबर है अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ रेओन रेन कैन इमिटेट द फील एंड टेक्स्र ऑफ सिल्क वूल कॉटन एंड लिनन रेन का जो फील होता है और ये इसका टेक्स्चर होता है बिल्कुल सिल्क कॉटन और लिनन की तरह होता है मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स रेन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाया जाता है और मिक्स्ड विथ वुल टू मेक कारपेट्स और वुल के साथ मिक्सड करके कारपेट्स बनाया जाता है सेकेंड रेन फेब्रिक्स आर स्मूथ कूल एंड कम्फर्टेबल रेयन फेब्रिक्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं कूल और कम्फर्टेबल होते हैं रेयन कैन भी इजली डाइड इन वाइड रेंज ऑफ कलर रेन जो होते हैं वाइड रेंज ऑफ कलर में इजली डाई हो जाते हैं इट इज़ सूटेबल फॉर वेयर इन समर बिकॉज इट्स फेब्रिक कैन एब्जॉर्ब स्वेट ये गर्मी में पहनने के लिए सूटेबल होता है क्योंकि ये फैब्रिक जो है स्वेट को एब्जॉर्ब करता है इट इज़ यूज इन मेकिंग अप्रैल्स लाइक ड्रेसेस जैकेट्स लाइनिंग सूट्स हेड्स इट इजी इसका यूज़ जो है अप्रेल्स को बनाने में किया जाता है जैसे एक्स्ट्रा क्लोथिंग हम लोग कहते हैं इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज इसका यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है इन सर्जिकल प्रोडक्ट्स एंड इन टायर क्रोड्स इसका यूज़ सर्जिकल प्रोडक्ट्स और टायर क्रोट्स को बनाने में किया जाता है अब हम देखते हैं नाइलॉन इट इज़ अ ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नाइलॉन जो है ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है मतलब मैनमेड फाइबर है इट डज़ नॉट यूज़ एनी नेचुरल फाइबर एज इट्स रॉ मटेरियल इस फाइबर को बनाने में किसी तरह का भी नेचुरल फ़ाइबर का यूज़ नेचुर रॉ मटेरियल के तौर पर नहीं किया गया है इट इज़ द फर्स्ट फुली साइंथेटिक फाइबर ये जो है फर्स्ट फुली साइंथेटिक फाइबर है नाइलोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वंडर पॉलीमर नाइलॉन को वंडर पॉलीमर भी कहा जाता है द टर्म नाइलॉन इज नेम्ड आफ्टर टू सिटीज न्यूयॉर्क इन यू एशिया एंड लंदन इन ग्रेट ब्रिटेन नायलॉन का नाम टू सिटीज के बाद रखा गया न्यूयॉर्क और लंदन एन वाई स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क एंड एल ओ एन फॉर लंदन इट वॉज सो नेम्ड एज दिस फाइबर वॉज डेवलप्ड बाई द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ दिस टू कंट्रीज नाइलॉन का एन वाई जो है ये न्यूयॉर्क है एलओएन एल ओ एन लंदन है ऐसा इसलिए क्यों रखा गया क्योंकि यहीं के साइंटिस्ट जो है यही दो कंट्रीज़ के साइंटिस्ट जो है अपनी इफ़र्ट से इस फाइबर को डेवलप किए इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ नाइलॉन को नाइलॉन का क्या यूज़ है इट इज़ हाईली इलास्टिक टेंसाइल एंड हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस नायलॉन जो होता है हाईली इलास्टिक होता है टेंसाइल होता है और सिल्क लाइक अपेरियंस देता है इट इज़ यूज इन मेकिंग कारपेट्स सॉक्स एंड अदर हॉसरी आइटम्स इसका यूज जो है कारपेट्स को बनाने में सॉक्स को बनाने में और अदर हौजरीज आइटम्स को बनाने में किया जाता है नायलॉन इज़ यूज इन मैनी मलेट्री एप्लीकेशंस लाइक मेकिंग ऑफ रॉब्स पैरासूट्स इट इज का यूज बहुत से मिलिट्री एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है जैसे रॉप्स को बनाने में किया जाता है पैरासूट्स को बनाने में किया जाता है इट इज़ हाईली ड्यूरेबल ये जो होता है हाईली ड्यूरेबल होता है ज़्यादा टिकाऊ होता है हैज इट्स फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग सीट बेल्ट टायर क्रॉड्स क्लोथ सीट सी इस फाइबर का यूज सीट्स बे सीट बेल्ट्स को बनाने में किया जाता है टायर क्रोट्स को बनाने में किया जाता है और कपड़े बनाने में किया जाता है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स टूथ टूथब्रश कॉम्स हुक्स इटीसी इसका यूज कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने में भी किया जाता है जैसे ब्रश uh, हो गए कॉम्स कंघी हुक्स इटीसी इट इज यूज फॉर मेकिंग रॉ रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स नायलोन का यूज जो है रॉक क्लाइंबिंग रॉप्स को बनाने के लिए किया जाता है और फिशिंग के नेट्स को भी बनाने के लिए नायलोन का यूज किया जाता है नेक्स्ट सेंथेटिक फाइबर को देखते हैं वो है टेरेलीन टेरेलीन इज अनदर सेंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स टेरेलीन एक अनदर सेंथेटिक फाइबर्स है जिसका यूज क्लोथ्स को बनाने में किया जाता है लाइक नायलोन टेरेलिन इज़ ऑल्सो इलास्टिक हाईली ड्यूरेबल व्रिंकल रेजिस्टेंट एंड मोथ रेजिस्टेंट ये लाइलोन की तरह ही इलास्टिक होता है हाईली ड्यूरेबल होता है और व्रंकल रेजिडेंट होते हैं और इसमें मोथ रेजिडेंट होते हैं हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ टेरेलिन कि टेरेलिन का क्या क्या यूज़ है इट इज़ लार्जली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स इसका ज़्यादातर यूज़ जो है फैब्रिक्स को बनाने में किया जाता है इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड इज़ वेरी स्ट्रांग ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते ये बहुत ही मजबूत होते हैं इट इज़ देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोर्ड्स एंड फॉर मेकिंग रेन कोट्स इसलिए इसका यूज जो है बोर्ड्स के सेल्स को बनाने में किया जाता है और रेनकोट्स को बनाने में किया जाता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर वेल्ट इसका यूज़ कन्वेयर वेल्ट को बनाने में भी किया जाता है इट इज़ यूज इन होम फर्निशिंग्स इसका टेरेलाइन का जो यूज है होम फर्निशिंग में भी किया जाता है अब हम लोग देखते हैं फैब्रिक्स लाइक टेरी टेरिसक टेरी सिल्क टेरी कोट इटी सी आर मेड बाई मिक्सिंग टेरेलाइन विथ वुल सिल्क एंड कॉटन रिस्पेक्टिवली फैब्रिक्स टेरेलाइन के साथ वुल को मिला के टेरीवुल टेरेलाइन के साथ सिल्क को मिला के सिल्क और टेरेलाइन के साथ कॉटन को मिला के टेरी कोट बनाया गया है नेक्स्ट देखते हैं पॉली इथिन टेट्राफेलेट इट इज अंथीटिक पॉलीमर कॉमनली यूज टू मेक बोतल्स बॉक्सेस इट इज इस सेंथीटिक पॉलीमर का यूज बोतल्स को बनाने में बॉक्सेस को बनाने में किया जाता है अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ पीईटी। कि पीईटी का क्या यूज है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इसका यूज जो है खाना के पैकेजिंग के कंटेनर को बनाने में किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में किया जाता है पी ई टी बोतल्स आर कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑयल्स एंड अदर फूड आर्टिकल्स इट पी ई टी बोतल्स जो है इसका यूज जो है इंडस्ट्री में किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स को ऑयल्स को और फूड आर्टिकल्स को बेचने के लिए सेल आउट करने के लिए इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टेप्स यूज इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स इसका यूज मैग्नेटिक टेप्स को बनाने में किया जाता है जिसका यूज ऑडियो और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स में होता है नेक्स्ट देखते हैं एक्राइलिक फाइबर्स एक्राइलोन दीज आर सेंथेटिक फाइबर्स विच अपीयर टू रिजेंबल एक्राइलोन भी जो है सेंथेटिक फाइबर्स है ये वुल से मिलते जुलते लगते हैं वी वेयर स्वेटर्स एंड सॉल्स इन विंटर हम लोग ठंड के समय में स्वेटर्स और सॉल्स को पहनते हैं मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल ये जो स्वेटर्स और सॉल्स है ये जो है एक्चुअली नेचुरल वूल से मेडअप नहीं होते हैं स्टिल दे अपीयर टू रिजेंबल वूड मेर आर्टिकल्स ये लगते हैं कि वो से मिलते जुलते आर्टिकल्स के जैसे लगते हैं यूजेज ऑफ एक्रिलिक फाइबर्स अब हम लोग देखते हैं एक्रिलिक फाइबर्स का क्या यूज है दीज आर यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स विच आर वेरी लाइट एंड हैव क्वाइट द सेम एज वुलन ब्लैंकेट्स एक्रिलिक फाइबर्स का यूज जो है ब्लैंकेट्स को बनाने में किया जाता है ये बहुत ही हल्का होता है और एकदम सेम जो है गर्मी वुलन ब्लैंकेट की तरह हम लोग को देता है आर्टिकल्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक फ़ाइबर्स आर रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एंड आर अवेलेबल इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स ये जो एक्रीलिक फ़ाइबर्स होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं मतलब कम दाम में अवेलेबल होते हैं और इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स जो है अवेलेबल होते हैं अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है सेंथेटिक फाइबर्स के हम लोग को फाइव टाइप्स के सेंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए फर्स्ट में हम लोग पढ़ें रेओन के बारे में सेकेंड हम लोग पढ़ें नाइलोन के बारे में थर्ड पढ़ें टेरालाइन, फोर्थ पढ़ें पी ई टी फिफ्थ पढ़ें एक्रिलिक फाइबर्स तो अब हम लोग देखते हैं कि सेंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या, क्या एडवांटेजेस हैं मतलब फायदा दे हैव अ लॉन्ग लास्टिक लक्चर सेंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं इसका लॉन्ग लास्टिंग लक्चर होता है दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स सेंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं नैचुरल फ़ाइबर्स से ज़्यादा दिन तक चलते हैं दे आर इजी टू क्लीन इसे साफ़ करना बहुत ही आसान होता, होता है ईजी होता है दे ड्राई क्विकली ये बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं ड्राई हो जाते हैं दे डू नॉट व्रिंकल एंड दे फोर नीड वेरी लिटिल और नो आयरनिंग सेंथेटिक फाइबर्स जो है व्रिंकल नहीं होते हैं मतलब जिसे हम लोग कहते हैं मोचड़ाना ये जल्दी मोचड़ाते नहीं हैं आयरन की जरूरत नहीं होती है या अगर होती भी है तो लिटिल दे डू नॉट श्रिंक ऑन वासिंग ये वाश करने से श्रिंक नहीं करते दे आर लेस एक्सपेंसिव द नेचुरल नैचुरल फाइबर फाइबर्स जो होते हैं लेस एक्सपेंसिव होते हैं नेचुरल फाइबर्स की तुलना में अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेंथेटिक फाइबर सेंथेटिक फाइबर्स का हम लोग एडवांटेज देखें अब देखते हैं कि इसका क्या डिसएडवांटेज है दे हैव वेरी लो मेल्ट मेल्ट एट वेरी लो टेम्परेचर दे बर्न टू फॉर्म स्मॉल स्टिकिंग बीड्स एट हाई टेम्परेचर सेंटेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मतलब लो टेम्परेचर पे जो है मेल्ट कर जाते हैं और जब ये जलते हैं तो स्मॉल स्टिकिंग बीड्स को फॉर्म करते हैं हाई टेम्परेचर में इट इज़ देयर फॉर नॉट एडवाइजेबल टू वेयर सेंटेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन इसलिए सजेस्ट किया जाता है एडवाइस दिया जाता है कि किचन में काम करते समय सेंथेटिक क्लोथ्स को वेयर नहीं करना चाहिए नहीं पहनना चाहिए अनलाइक नेचुरल फ़ाइबर्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट सेंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं नेचुरल फ़ाइबर्स की तरह स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं क्लोथ्स मेड फ्राम सेंथेटिक फाइबर्स आर देयर फॉर वेरी अनकंफर्टेबल इन समर एंड रेनी सीजन इसलिए जो है सेंथेटिक फाइबर से बने जो क्लोथ होते हैं ये समर के लिए और एनी सीजन के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं सेंथेटिक फाइबर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल हैंज दे काउस ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन सेंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं इसलिए ये जो है लॉट ऑफ पॉल्यूशन को काउस करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स प्लास्टिक सिंपल मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स के पॉलीमर होते हैं द अरेंजमेंट ऑफ सिम्पल मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट पॉलीमर्स इज नॉट ऑफ द सेम टाइम सिंपल मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट पॉलीमर्स में यह सेम टाइप का नहीं होता है एक समान नहीं होता है दिस देयर आर सर्टेन प्लास्टिक वे आर मोनोमर्स आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन कुछ प्लास्टिक्स में जो मोनोमर्स होते हैं वो इस्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं सच प्लास्टिक अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम लोग लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं दे आर जनरली नोन एज थर्मो थर्मो प्लास्टिक्स तो ये प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक्स कहलाते हैं देखिए स्टूडेंट्स ने आई डू यू नो दिया हुआ ये वन मार्क्स क्वेश्चन में आता है ही फर्स्ट मैनमेड प्लास्टिक कौन सा है और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है तो देख लीजिए द फर्स्ट मैनमेड प्लास्टिक वॉज इन्वेंटेड बाई एलेक्जेंडर पॉक्स इन एटीन सेवेंटी 1862 he gave the name perksine to this plastic. In some other plastics, the monomers are cross-linked. दूसरे टाइप्स की प्लास्टिक्स में जो मोनोमर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं सर्च प्लास्टिक्स आर सेट टू हैव क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट तो इस तरह के प्लास्टिक्स में हम लोग कह सकते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है दे आर जनरली नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स देख लीजिए फिगर्स यहाँ दिए हुए फिगर क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स के और यहाँ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स अब देखते हैं कि सेंथेटिक प्लास्टिक्स के क्या कैरेक्टरस्टिक्स है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंथेटिक प्लास्टिक्स लाइट वेट सेंथेटिक फाइबर्स मटेरियल्स आर वेरी लाइट इन वेट एज कंपेयर टू नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल्स सेंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं वेट में मतलब हल्के होते हैं नेचुरल प्लास्टिक मटेरियल्स की तुलना में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सेंथेटिक प्लास्टिक्स कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग सेंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं वो बिना टूटे हुए लॉट ऑफ वेट को होल्ड करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अ थ्रेड ऑफ सेंथेटिक प्लास्टिक कैन विथ स्टैंड मोर वेट एज कंपेयर टू द थ्रेड ऑफ कॉटन ऑफ द सेम थिकनेस सेंथिक प्लास्टिक के जो थ्रेड होते हैं और कॉटन का जो थ्रेड होता है उसी थिकनेस का कॉटन का जो थ्रेड होता है उसकी तुलना में जो सेंथेटिक फाइबर का थ्रेड है वो ज़्यादा वेट को होल्ड करता है

विदर लाइक नेचुरल प्लास्टिक सिर्फ नेचुरल प्लास्टिक्स की तरह मुरझाते नहीं हैं लशर्स एंड कलरफुल सेंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी मेड मोर साइनी एंड ब्राइट सेंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइनी और ब्राइट होते हैं दे कैन बी मेड इन एनी डिज़ायर्ड कलर और टेक्सचर इसे किसी भी डिज़ायर कलर और टेक्सचर की तरह बनाया जा सकता है दे आर देयर फोर ऑफन यूज फॉर मेकिंग लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इसलिए सेंथेटिक प्लास्टिक्स का यूज जो है वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जाता है नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर्स दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेंथेटिक प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं अब हम लोग देखते हैं डू यू नो टेफलॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक टेफलॉन एक ऐसा स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स टेफलॉन प्लास्टिक का यूज कुकवेयर्स में नॉन स्टिक कोटिंग को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है सेंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स जर्नली कैच फायर इजली सेंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक जो होते हैं वो फायर को इजली कैच करते हैं हाउवेवर मेलामाइन इज़ अ प्लास्टिक विच इज़ फ्लेम रेसिस्टेंट। मेलामाइन जो होता है ये फ्लेम रेसिस्टेंट प्लास्टिक होता है इट इज़ देअर फूल कॉटेड ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायर मैन इसलिए जो यूनिफॉर्म्स होते हैं फायरमैन के उस पर इसे कोट किया जाता है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंथेटिक प्लास्टिक्स कि प्लास्टिक्स की को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है सेंजेटिक फाइबर्स आर क्लासिफाइड एज थर्मो एंड एंड प्लास्टिक्स प्लास्टिक प्लास्टिक्स को टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है थर्मो प्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स थर्मो प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स विच हैव अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर थर्मोप्लास्टिक्स प्लास्टिक जिसमें मॉलिक्यूल्स का लीनियर अरेंजमेंट होता है थर्मोप्लास्टिक्स कहलाता है दीज प्लास्टिक्स कैन बी डिफॉर्मड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिमोल्डेड इनटू अ न्यू शेप थर्मो थर्मोप्लास्टिक्स को गर्म करके उसके शेप को रिमोल्ड किया जा सकता है पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड नायलॉन पॉलिसटेरिन एंड टेरालाइन आर एमंग द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स ये जो है पॉलीथीन पॉलीवाइनल क्लोराइड नाइलोन टेरालाइन ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम में आते हैं कि टू एग्जाम्पल लिखिए थर्मोप्लास्टिक्स की तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसे अंडरलाइन कर लीजिए देखते हैं अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स प्लास्टिक्स विच हैव अ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स जिसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्रॉस लिंक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाते हैं दिस प्लास्टिक्स कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एंड देयर कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन इस प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को गर्म करके उसके सेप में को रिमोल्ड नहीं किया जा सकता बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बेकेलाइट और मेलामाइन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की एग्जाम्पल है इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए कि एग्जाम में आते हैं टू एग्जाम्पल लिखने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के तो आप ये लिख दीजिएगा बेकेलाइट एंड मेलामाइन बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैंडल्स ऑफ़ कुकिंग यूटेंसिल्स इट ई सी जो है हीट का पुअर कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर होता है इसलिए इसका यूज जो है इलेक्ट्रिकल की स्विचेस को बनाने में और कुकर्स के हैंडल को बनाने में और भी यूटेंसिल्स के हैंडल को बनाने में किया जाता है मेलामाइन रेजिस्ट फायर एंड कैन टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स इट इज़ यूज फॉर मेकिंग किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेस रेजिस्ट फायर मेलामाइन जो होते हैं वो फायर को रेसिस्ट करते हैं और हीट को टॉलरेट करते हैं अदर प्लास्टिक्स की तुलना में और इसका यूज जो है किचन वेयर को बनाने में किया जाता है और फाइबर्स मतलब ऐसे फैब्रिक्स जो फायर को रेसिस्ट करते उसे बनाने में किया जाता है अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिक्स एंड द इन्वॉलमेंट वैन वी गो टू द मार्केट फॉर परचेजिंग आइटम्स ऑफ डेली नीड वी शुड बट यूजली डू नॉट टेक अ कॉटन और जूट कैरी बैग विथ हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं अपने डेली नीड्स के सामान को परचेस करने के लिए तो हम लोग जो है कॉटन और जूट के कैरी बैग को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं द शॉपकीपर में गिव अस द आइटम्स इन पॉलीथीन कैरी बैग्स इसलिए जो दुकानदार होते हैं वे हमें आइटम्स को पॉलीथीन कैरी बैग्स में भर के देते हैं ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मेटेरियल बींग सोल्ड आर रैप्ड इन पॉलीथीन और भी मेटेरियल जो होते हैं जिसे बेचा जाता है वो पॉलीथीन में रैप्ड होते हैं सेंथेटिक पॉलीमर्स बी एंड लार्ज हैव सम कॉमन कैरेक्टरस्टिक्स सेंथेटिक पॉलीमर्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरस्टिक्स हैं दीज आर रेजिडेंट टू हीट एंड केमिकल लाइक एसिड्स एंड एल्कोलीज सेंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो हीट और केमिकल्स के रेसिडेंट होते हैं रेसिडेंट का मतलब होता है प्रतिरोधी देयर इंटरनेस मेक देम यूजफुल बट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यूमरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सेंथेटिक पॉलीमर्स जो होते हैं वो न्यूमरस इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं ऑल दीज कैरी बैग्स और रैपर्स अल्टीमेटली फाइंड देयर वे टू द गारबेज कैन ये कैरी बैग्स और रैपर्स जो होते हैं ये गार्बेज कैन में फाइंड होते पाए जाते हैं द डिस्पोजल ऑफ ऑल सच प्लास्टिक गार्बेज इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लास्टिक गार्बेज का जो डिस्पोजल है ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड में इट इज़ बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट गेट डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्लास्टिक जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं बैक्टीरिया के एक्शन से भी ये डिकम्पोज नहीं होते मेटेरियल्स विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल्स जो डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया के एक्शन द्वारा उसे हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पार्ट्स एंड स्कीस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ पेपर कॉटन वुड इट इज आर एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल मेटेरियल्स जो स्की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पार्ट्स और स्किन्स होते हैं बचे हुए जो फूड स्टफ होते हैं पेपर है कॉटन है वुड है ये जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं मटेरियल्स डैट डू नॉट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड आर कॉल नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे मेटीरियल्स जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते और बहुत ही लंबा टाइम लेते हैं डिग्रेड होने के लिए तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक बकेट्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक वेस्ट से क्या डेमेज काउज होते हैं प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल क्लॉक दिटी ड्रेनेज सिस्टम दे आर बाई काउिंग लॉट ऑफ इनकनवीनियंस प्लास्टिक कैरी बैग्स और अदर मेटीरियल्स जो होते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं जिससे लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस काउज होता है स्ट्रे काउज एंड अदर एनिमल्स इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट में ऑल्सो स्वेलो मेटेरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स जो स्ट्रे काउज और अदर एनिमल्स होते हैं वो खाना खाते समय फूड वेस्ट को खाते समय स्वेलो मेटेरियल जैसे पॉलीथीन और रैप्स को भी निगल जाते हैं दिस कैन चोक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स एंड काउज देयर डेथ तो उनके प्लास्टिक खाने के कारण जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ट्रैक्ट हो जाता है जिस कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है प्लास्टिक स्टैक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज प्लास्टिक जो है डिकम्पोज होने में सेवरल ईयर्स लेते हैं दे आर नॉट इन्वायॉर्मेंटल फ्रेंडली एंड कॉज इन्वामेंटल पॉल्यूशन इसलिए ये ज़्यादा समय लेते हैं इसलिए ये इन्वामेंटल फ्रेंडली नहीं है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को काउज करते हैं प्लास्टिक्स इफ बर्न प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस बिच पॉल्यूट एयर प्लास्टिक जब बर्न होते हैं तो हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं जो एयर को पॉल्यूट करता है अब हम लोग देखते हैं मेजर्स टू कंट्रोल द दे डैमेज काउज बाई प्लास्टिक वेस्ट कि प्लास्टिक वेस्ट से जो डैमेज काउज होता है उससे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वी शूड नाट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड हम लोगों को प्लास्टिक रैपर्स जो है रोड पर नहीं फेंकना चाहिए जर्नली गेट कैरिड इन टू दिटी सीवेज सिस्टम रिजल्टिंग इन क्लॉगिंग ऑफ ड्रेनेज प्लास्टिक रैपर्स को इधर उधर फेंकने से ये सिटी सीवेज सिस्टम में चला जाएगा जिससे ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड भी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली हम लोगों को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को सेपरेट कलेक्ट करना चाहिए और उसे सेपरेट डिस्पोज ऑफ करना चाहिए वी शुड मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूड वैन वी गो आउट फोर शॉपिंग हम लोग जब बाजार जाते हैं शॉपिंग के लिए तो हम लोगों को अपने साथ कॉटन और जूट से बने बैग को ले जाना चाहिए दिस विल रिड्यूज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इससे क्या होगा कि प्लास्टिक्स का जो यूज है वो रिड्यूज़ होगा कम होगा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी नीड टू रिमेंबर द फोर आर्स प्रिंसिपल लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है इसलिए हम लोगों को फोर आर प्रिंसिपल को रिमेंबर में रखना चाहिए क्या है प्रिंसिपल रिड्यूस रिसाइकल एंड रिकवर वी नीड टू टू डेवलप हैबिट्स हेल्प प्रिजर्व द इन्वायरमेंट हम लोगों को अपने अंदर ऐसे हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करे तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट हो गया यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ लाती रहती हूँ यदि आपको किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग